Click on subscribe button and press bell icon for daily recipes. बिरयानी मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ। मुंबई बिरयानी मसाला हम किस तरह बना सकते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए ये आप नोट कर लीजिए। 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया अपना, 1/2 टेबलस्पून ये मैंने सॉल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास ना हो तो आप ये पैकेट का यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी ये यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून मैंने वाइट ज़ीरा, 2 टेबल स्पून ब्लैक ज़ीरा, 1 टेबल स्पून दालचीनी है, 1 टेबल स्पून बादियान के फूल हैं, 1/2 टेबल स्पून मैंने ये लौंग ली है, 4 बड़ी इलायची ली है, जायफल 1/2 टेबल स्पून और जावित्री भी 1/2 टेबल स्पून। ये जिंजर और गार्लिक अनियन का ये पाउडर बनाया है, ये भी मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगी, आने वाली में वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून अनियन लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने जिंजर, 1 टेबल स्पून मैंने ये तेज़ पत्ते लिए हैं, मैंने कम से कम 6 पत्ते हैं मेरे पास। 15 मैंने आलू बखारे लिए हैं, आलू बखारा सूखा होना चाहिए, बिरयानी मसाले के लिए सूखा आलू बखारा लेते हैं। ये भी तकरीबन 14 से 15 मेरे पास छोटी सब्जी। मैंने आपको तमाम अज़ा तो बता दिए, अब ये देखिए जितना भी ये मसाला है ना ये मैं तमाम एक जगह हमें सब मिक्स करना है, जितने भी ये मसाले बिल्कुल पिसे हुए हैं इनको भी, और ये गार्लिक जिंजर अनियन का पाउडर जो मैंने रखा है 1 टेबल स्पून है ये सब, ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये मसाले मैं अभी ग्राइंडर करके और ये भी इसमें साथ ही मिक्स करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कितना पानी इसको ग्राइंड कर लिया बिल्कुल, अब ये भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इस सबको मिक्स करना है। ये आलू बुखारे, छोटी इलायची और तेज़पत्ता ये भी हम इसमें डाल लेंगे। इस मसाले को आप अच्छी तरह मिक्स करने के बाद देखिए फ्रेंड्स बिरयानी बम्बई बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम ये ब्रांडेड मसाले जो हमारे होते हैं मार्केट में आप वो लाते होंगे, आप उससे सेम मैच कर सकती हैं। जायका भी और इसकी शक्ल भी बिल्कुल सेम ये वैसे ही है जायके में भी, और इसको तकरीबन आप 4 किलो बिरयानी के लिए ये है, 4 किलो बिरयानी में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर नई रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।